5 अप्रैल 2024 को कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो रिलीज करती है। ये मैनिफेस्टो और ठीक 9 दिन बाद 10 साल से सत्ताधारी बीजेपी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करती है, जहां नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के न्याय पत्र को मुस्लिम लीग से प्रेरित बताया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। वहीं कई अहम सवाल खड़े किए गए हैं बीजेपी के संकल्प पत्र में, किंतु आम जनता के लिए क्या वादे किए गए हैं दोनों पार्टी के घोषणा पत्रों में, जानेंगे आज के वीडियो में। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का नाम दिया है, वहीं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने शुरुआत में भारत के संविधान को एक मार्गदर्शक की तरह बताया है और शुरुआत अपने इतिहास से की है। आगे कहा गया है कि 2024 के जनरल इलेक्शंस वन पार्टी डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच का चुनाव है। जहां कांग्रेस ने यूपीए के समय की उपलब्धियां गिनवाई हैं, वहीं बीजेपी सरकार ने 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनवाई हैं। प्रधानमंत्री ने देश के लिए अपने संदेश में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और भारत को पिछले 10 वर्षों में फ्रंगाइल 5 से टॉप 5 की अर्थव्यवस्था बनाने का जिक्र किया है। पर आखिर ये फ्रंगाइल 5 का मतलब क्या है? 2013 में मॉर्गन स्टैनले, जो कि एक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो भारत को फ्रंगाइल 5 इकोनॉमी में गिनती करता था, जिसका मतलब कि यहाँ पैसा लगाना सेफ नहीं था। कांग्रेस शुरुआत में ही हिस्सेदारी न्याय की बात करती है और सरकार में आने पर आर्थिक, सामाजिक, जातिगत जनगणना नेशनल लेवल पर करवाने की बात करती है और साथ में ही आरक्षण के 50% के कैप को हटाने की बात करती है। जहाँ कांग्रेस महालक्ष्मी योजना लॉन्च करने की बात करती है, जिसके तहत गरीब परिवारों की सबसे बुजुर्ग महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। आगे कांग्रेस रोजगार को मुद्दा बनाते हुए SC ST और OBC के लिए सभी रिजर्व्ड सीटें भरने की बात कहती है और साथ ही रोहित वेमुला अधिनियम को लागू करने की बात करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती पेजेस में अपने 10 वर्षों के काम गिनाए हैं, जिसमें कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, 10 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन और 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म करने की बात कही गई है। बीजेपी ने 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 AIIMS, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही है, पर इनमें एजुकेशन लेवल बुरा होने और स्टाफ की कमी होने का जिक्र नहीं किया। बीजेपी ने ऑपरेशनल हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी करने की बात कही है, किंतु एयरपोर्ट्स के अंधाधुंध निजीकरण की बात नहीं की। आगे बीजेपी ने गरीब परिवारों की सेवा की बात कही है, जिसमें गरीब की थाली को महंगाई से सुरक्षित रखने की बात की गई है, परंतु कोई साफ लक्ष्य नहीं रखा गया है। आपने यहाँ पर एक लाइन बार बार नोटिस की होगी दोस्तों, मोदी की गारंटी। बीजेपी के घोषणा पत्र में हर टाइटल के बाद आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। बीजेपी ने मिडिल क्लास, नारी शक्ति, वरिष्ठ नागरिकों, किसानों और मत्स्य पालन को लेकर कोई साफ लक्ष्य नहीं दर्शाए हैं। जहाँ बीजेपी ने केवल भाषाई अल्पसंख्यकों का जिक्र किया है, वहीं कांग्रेस ने हर तरह के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने की बात कही है और 8th शेड्यूल में अधिक भाषाओं को शामिल करने की मांग को पूरा करने की बात भी की है। सीनियर सिटीजन को रेलवे और सड़क परिवहन में पहले जो छूट मिलती थी, कांग्रेस ने उसे दोबारा लागू करने की बात कही है। हाल में ही आपने एक न्यूज देखी होगी कि रेलवे ने सीनियर सिटीजन को मिलने वाले कंसेशन को खत्म करके 5800 करोड़ रुपए कमाए। बहुत से लोगों को तो यही समझ में नहीं आया कि इस बात की खुशी मनाएं या दुख। बीजेपी ने भारत को यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट दिलवाने की प्रतिबद्धता की बात दोहराई है और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की मदद से यूरोप तक की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की बात कही है। बीजेपी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA के मुद्दे को एक लाइन में ही समाप्त कर दिया है, जिसमें कि CAA के आधार पर सभी पात्र व्यक्तियों को नागरिकता देने की बात कही गई है। कांग्रेस ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार की चिरंजीवी योजना की तर्ज पर 25 लाख तक की निशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू करने की बात कही है। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 75% पोस्ट को फिल करने की मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट लागू करने की बात कांग्रेस ने की है और साथ ही मिड डे मील का एक्सटेंशन क्लास 12th तक करने का वादा किया गया है। बीजेपी भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी और भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करती है, वहीं कांग्रेस अगले 10 सालों में GDP को डबल करने का लक्ष्य बताती है। बीजेपी और भी गारंटियों और लक्ष्यों की बात करती है, जैसे कि हवाई अड्डों का विस्तार, 6G टेक्नोलॉजी का विकास, पाइपलाइन गैस कनेक्शन, PM ई-बस, यूनिफॉर्म सिविल कोड, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी, कॉमन इलेक्टोरल रोल यानी कि सामान्य मतदाता सूची, एक देश एक चुनाव के विचार को आगे बढ़ाना, मेडिकल सीट्स बढ़ाना और 2036 में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी। पर इन सब मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है रोजगार का। भारत में बढ़ती बेरोजगारी एक
गंभीर समस्या का रूप ले चुकी है। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल में ही एक रिपोर्ट में कहा है कि जॉबलेस इंडियन में 83% हिस्सा इंडियन यूथ का है, यानी कि भारत की बेरोजगारी में 83% हिस्सा नौजवानों का है। इसी कारण से रोजगार का मुद्दा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, परंतु बीजेपी के संकल्प पत्र को देखकर लगता है कि देश में बेरोजगारी का कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी ने केवल स्टार्टअप और स्वरोजगार पर ही फोकस किया है, परंतु ये नहीं बताया कि इन सबसे आखिर उनका कितना रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर काफी मुखरता से बोलते हुए नजर आती है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के डिफरेंट लेवल्स पर 30 लाख वैकेंसीज फिल करने की बात की है और अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर अप्रेंटिसशिप एक्ट लाने की बात कही है, और साथ ही सरकारी परीक्षाओं और सरकारी आवेदनों के लिए फीस समाप्त करने की बात भी कह रही है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि व्यापक बेरोजगारी के कारण सभी स्टूडेंट एजुकेशन लोन के संबंध में 15 मार्च 2024 तक इंटरेस्ट सहित के पेएबल अमाउंट को एक मुफ्त उपाय के रूप में माफ कर दिया जाएगा और बैंक्स को गवर्नमेंट के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। कुल मिलाकर कांग्रेस यहां पे एजुकेशन लोन माफ करने की बात कर रही है। रेलवे के संदर्भ में बीजेपी ने नई रेल लाइंस बिछाने, मॉडर्न ट्रेन्स के नेटवर्क में एक्सपेंशन, वर्ल्ड क्लास स्टेशंस के निर्माण, वंदे स्लीपर ट्रेन शुरू करने की बात की है। वहीं सभी ट्रेन्स में कमज यानी कि एंटी कोलिजन डिवाइस लगाने की बात दोनों पार्टीज ने की है। कांग्रेस ने ऐसी संपत्तियां जो बनती तो सरकारी पैसों से हैं पर अंत में निजी हाथों में चली जाती हैं, उन्हें जनता के पैसों की लूट कहा है। कांग्रेस कहती है कि अगर वो सत्ता में आती है तो 1991 की तरह ही फिर से आर्थिक नीति में बड़े बदलाव पर विचार करेगी और जॉबलेस डेवलपमेंट को खारिज करेगी। कांग्रेस यहां रोजगार के मुद्दे पर जोर देते हुए यह भी लिखती है कि जल निकाय पुनर्स्थापन कार्यक्रम और बंजर भूमि पुनर्विकास कार्यक्रम शुरू करके कम पढ़े लिखे कम कुशल युवाओं के लिए नौकरियां प्रदान करेंगे। हम और आप यहां पे देख सकते हैं कि कांग्रेस रोजगार के पहलू को विस्तृत रूप से कवर कर रही है, हालांकि उसने अभी तक इसकी कोई रूपरेखा पेश नहीं की है कि आखिर इन सब के लिए वो बजट मैनेजमेंट कैसे करेगी। भाजपा ने भी ऐसे कई मुद्दों की बात की है जिनसे रोजगार पैदा होगा, पर उन्होंने भी कोई ठोस बातें और आंकड़े नहीं दिए हैं। जहां कांग्रेस परमानेंट जॉब्स पे फोकस कर रही है और तो और कॉर्पोरेट्स को भी परमानेंट जॉब देने पर टैक्स क्रेडिट देने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी इस बात पर एकदम चुप है। न्यायपालिका यानी ज्यूडिशियरी को लेकर बीजेपी ने किसी भी बड़े बदलाव की ओर इशारा नहीं किया है। वहीं कांग्रेस लिखती है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह लेकर एक नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन की स्थापना करेगी जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में दो डिवीजन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करती है, एक संवैधानिक न्यायालय और एक अपील कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 7 सीनियर मोस्ट जजेस से युक्त होगा। कांग्रेस जीएसटी कानूनों में भी बदलाव करने की बात करती है। वहीं महिलाओं के संबंध में केंद्र सरकार की नौकरियों में 50% रिजर्वेशन और महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन 2025 के विधानसभा चुनाव में लागू करने की बात करती है। हालांकि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल मोदी सरकार के ही कार्यकाल में पारित किया गया था, जिसमें कि महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 1/3 रिजर्वेशन 2029 के बाद लागू करने का प्रावधान बना था। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने और AI क्वांटम मिशन ग्राफिन तकनीक का विकास की बात की है। बीजेपी मीडिया को लेकर कोई भी स्टेटमेंट मैनिफेस्टो में नहीं लिखती है, परंतु कांग्रेस इस पे मुखरता से बोलते हुए मीडिया की आजादी और निष्पक्ष होने पे बात करती है। कांग्रेस हाल ही में आए ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023, प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरिडिकल्स अधिनियम 2023 में पहले बिल को वापस लेने और बाकी दोनों में संशोधन की बात करती है। कांग्रेस जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें प्रबल बनाने की बात करती है, परंतु इसका कोई बड़ा जिक्र भाजपा के घोषणा पत्र में देखने को नहीं मिलता। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड, लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड करना, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देना और पौंडीचेरी को फुल स्टेटहुड। साथ ही कांग्रेस अग्निपथ स्कीम को सरकार में आते ही खत्म करके पुराने तरीके से भर्ती शुरू करने की बात करती है। जहां बीजेपी का मैनिफेस्टो पर्यावरण पे मोदी की गारंटी के साथ खत्म हो जाता है, वहीं कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक निवेदन के साथ समाप्त होता है, जिसमें कांग्रेस अपने इतिहास के कामों पर वोट की अपील करती है और अंत में गीतांजलि में टैगोर के शब्दों को याद करती है। हालांकि पार्टीज के मैनिफेस्टो के कई वादे अक्सर जुमला ही साबित होते हैं, परंतु हमें पार्टी की मानसिकता और आगे होने वाली कामों की ओर इशारा जरूर मिल जाता है। जहां कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कई बातें विस्तृत रूप से कही गई हैं, वहीं बीजेपी ने बुलेट पॉइंट्स बनाकर मैनिफेस्टो बना दिया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखकर लगता है कि राजनाथ सिंह जी ने ज्यादा मेहनत नहीं की। पूरा मैनिफेस्टो नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर ही केंद्रित नजर आता है और केवल प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट मांगा जा रहा है, किंतु कांग्रेस कम से कम मैनिफेस्टो पर बेहतर ढंग से अपने मुद्दों और विचारधारा को समझा पा रही है, खासकर रोजगार के मामले में, परंतु उसमें भी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं
दर्शाई गई है। ऐसा लगता है कि आजकल पार्टियां मैनिफेस्टो रिलीज करने की खाना पूर्ति कर रही हैं। हो सकता है कि दोनों पार्टीज के मैनिफेस्टो के कुछ पॉइंट्स बताना छूट गए हों, किंतु जो हमें भारत की जनता के लिए महत्वपूर्ण लगा वो हमने बताया है। दोनों मैनिफेस्टो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने सलाह और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।